दोस्तों, अगर आपको अपनी लंबाई बढ़ानी हो तो रॉकेट बुक करके आप अंतरिक्ष में जा सकते हैं। मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों पर हुई रिसर्च बताती है कि वाकई अंतरिक्ष में रहने पर लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन ये कितनी बढ़ती है और कैसे बढ़ती है ये जानना भी कुछ कम रोचक नहीं है। इसलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष यानी यूनिसेफ ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने पता लगाया कि किस देश के बच्चे सबसे ज्यादा खुश है। 41 देशों की रिसर्च में इस एजेंसी ने पाया कि नीदरलैंड के बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि शर्म बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है और नीदरलैंड के लोगों की छवि ऐसी है कि वे उन सभी मामलों में खुलकर बात करते हैं जो दूसरे देशों में चर्चा करने में असहज महसूस किए जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों को ह्यूमन सेल्स यानी मानवीय कोशिकाओं के बारे में सिर्फ आधी जानकारी है। दोस्तों, ये जानकारी बीमारियों की इलाज खोजने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्या आप जानते हैं कि हाथों से लिखी हुई भारतीय संविधान की मूल कॉपी को हीलियम गैस से भरे एक चेंबर में रखा गया है? दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हीलियम एक निष्क्रिय गैस होती है, मतलब वो किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करती, लिहाजा उसमें रखी जाने वाली चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। भारतीय संविधान काली स्याही से लिखा गया है और आप भी जानते हैं कि समय के साथ स्याही का रंग फीका पड़ने लगता है, इसलिए एयर टाइट चेंबर में एक निश्चित आर्द्रता बनाकर रखी जाती है। जिन लोगों के जुड़वा भाई बहन होते हैं उन्हें अपने हमशक्ल देखने की आदत पड़ जाती है, लेकिन अब आपको अपना हमशक्ल लाइव देखने का मौका एक कंपनी दे रही है। रोबोट बनाने वाली अमेरिका की कंपनी प्रोमोबोट कुछ रोबोट्स बना रही है जिस पर वो किसी शख्स का चेहरा लगाना चाहती है। अगर कोई शख्स अपना चेहरा रोबोट पर इस्तेमाल करने की परमिशन देता है तो उसे 1.5 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। अंतरिक्ष में 6 महीने बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्री अपनी वास्तविक ऊंचाई से लगभग 3% लंबे हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उन पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं रहता, जिससे उनका कद बढ़ जाता है। हालांकि जमीन पर लौटने के कुछ ही महीने के भीतर कद वापस पहले जैसा हो जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है हर्षल और उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा।